second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in now that your things are gone. सो हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज डे 49 है और आज आप देख सकते हैं कि बाहर जो है दोनों जगह पर तोड़ दिया गया है, ठीक है ना। दोनों काफ़ी कच्चा ईंट था तो इसलिए इसको तोड़ दिया गया है और दोनों साइड में। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि प्लाई बोर्ड लगा दिया गया है एक, और यहाँ पे भी, और यहाँ जो है छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ जो आप पाइप देख रहे हैं ना, एसी का जो पाइप है ये चेंज होगा, ठीक है, ये चेंज होगा और उसको चेंज करने के बाद ही फिर यहाँ पे प्लाई लगाया जाएगा। और दूसरा रूम में आपको दिखाते हैं, तो इस रूम में अभी कुछ काम हुआ नहीं है, ठीक है ना। बाहर का जो है सारा प्लास्टर कर दिया है वैसे, और आज जो काम चल रहा है वो है ड्रॉइंग रूम में काम चल रहा है। यहाँ पे पैनलिंग का काम चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे लगा रहे हैं, यहाँ पे कुछ डिजाइन है तो मैंने स्टार्टिंग वाले ब्लॉग में आप लोग को दिखाया था यहाँ का डिजाइन कैसा होगा। तो देखिए कैसे अभी बना रहे हैं इस चीज को अभी। और ये रूम जो है ये है हमारा गेस्ट बेडरूम, और ये जगह जो है ये अपना पूजा वाला रूम होगा, ठीक है, पूजा रूम बनाएंगे इसको। और यहाँ पे भी ये दरवाज़ा फाइनली इसको तोड़ दिया गया है और इसको तोड़ के फिर प्लास्टर भी कर दिया है। तो हाँ, ये बचा हुआ है, ये जगह पे जो है इसको करना अभी बाकी है, तो होपफुली कर देंगे। तो काफ़ी टाइम लगता है तोड़ना फिर लगाना, काफ़ी पुराना हो गया था तो पूरा घर को रिनोवेट करने में टाइम तो लगता है। साढ़े पाँच बज चुका है, मैं जा रहा हूँ अभी चाय बनाने के लिए। तो चाय पीऊँगा, एक दो बिस्किट खाऊंगा, ठीक है, और एक वीडियो भी शूट करना है, वीडियो शूट कर लेंगे। उसके बाद 7 बजे जनता डायबिटीज़ दरबार है, जनता डायबिटीज़ दरबार लगाएंगे। अभी थोड़ा देर पहले काफ़ी कॉलिंग थे तो कॉलिंग सारे हमने ख़त्म कर लिया है अभी, ठीक है। तो जनता डायबिटीज़ दरबार 7 बजे लगाएंगे, उसके लिए भी तैयार होना है, तो फटाफट से चाय पीते हैं। तो दोस्तों अभी 9:45 बज गया है, मैं अपना लास्ट मील लेने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को जो कन्फ्यूजन रहता है कि इवनिंग में क्या खाए, ठीक है, तो इवनिंग में क्या खा सकते हैं, बिस्किट क्या खाए, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है डायफिट चैनल के लिए, तो उसका मैं छोटा सा एक ग्लिम्स आपको दिखा देता हूँ। पहले आप ये ग्लिम्स देखें, मैं बताऊँगा कि मैं क्या खाता हूँ और आप लोग क्या खा सकते हैं। खास करके बिस्किट काफ़ी लोगों ने डिमांड किया है कि कौन सा बिस्किट डायबिटीज़ में खा सकते हैं। तो आज मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये लीन बीइंग का प्रोडक्ट है, कीटो कोकोनट कुकीज़, कीटो कोकोनट कुकीज़, ठीक है। और इसको मैं आज अपने चाय के साथ लूँगा। ये चाय लिया है मैंने 1 कप, ये देखिए, इसमें मैंने स्टीविया मिलाया है। और अभी 5:30 बज रहे हैं तो मैं भी चाय पीता हूँ शाम के टाइम में कभी कभी, तो चाय के साथ ये कुकीज़ मैंने कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए कि मेरा TDE है वो 25 और 2000 कैलोरीज का 26% के आसपास मैं कार्बोहाइड्रेट से ले रहा हूँ, जो कि 130 ग्राम के आसपास आता है। तो मैं पूरे दिन में 130 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ, यानी कि ये एक लो कार्ब डाइट है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो हेल्दी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इवनिंग में आप क्या खा सकते हैं, कौन सा बिस्किट खा सकते हैं, तो ये जो आपने ग्लिम्स देखा है इसका पूरा फुल वीडियो जो है आपको डायफिट चैनल में दिख जाएगा, आप डायफिट चैनल में जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं अपना लास्ट मील लेने जा रहा हूँ।
अगर आपको अपना डायबिटीज रिवर्स करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है, वेट लूज करना है, तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, डायफिड डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरा लास्ट मील क्या है आज। तो मेरा लास्ट मील ये है, आप देख सकते हैं, ये चिकन टिक्का है और ये चिकन कीमा है। तो सिर्फ और सिर्फ चिकन है और यही मैं आज खाऊंगा। आप बाकी लोग पूछ सकते हैं कि फाइबर क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे फ्रूट्स खा लिया था और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स भी खाया था, तो इसलिए फाइबर की कमी नहीं है। आज मैंने अच्छा खासा फाइबर, 30-35 ग्राम फाइबर तो जरूर खा लिया होगा, तो अभी फाइबर नहीं खाऊंगा। रात को थोड़ा सा फाइबर कम खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उतना जरूरत नहीं होता, डाइजेशन में काफी टाइम प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो प्रोटीन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो ऐसे मत खाइए, इसके साथ फाइबर जरूर ऐड करिए। फाइबर जब भी कम होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहता है। तो फिलहाल मैं अपना लास्ट मील लेने जा रहा हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।